रोक के ऐसा बोला, तुम हॉस्पिटल में काम करती हो तो हमें पता है तुम्हें कोरोना हो गया होगा, तो तुम्हें हॉस्पिटल से घर नहीं आना चाहिए। उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। चार तारीख को जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो उन्होंने मुझे सीढ़ी पे रोक के ऐसा बोला, तुम हॉस्पिटल में काम करती हो तो हमें पता है तुम्हें कोरोना हो गया होगा, तो तुम्हें हॉस्पिटल से घर नहीं आना चाहिए। 5 तारीख शाम को 5:30 बजे इसी टाइम करीबन मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है, मैं उसको लेकर वॉक पे जाने के लिए मैंने जब दरवाज़ा खोला तो तब वो भावना मेहता अपने उनका दरवाज़ा तो खुला ही था, वो अपने दरवाजे से मेरे दरवाजे के पास आ गई, मेरे सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम्हारा कुत्ता मुझे काट रहा है, तुम्हारा कुत्ता मेरे पे अटैक कर रहा है, जबकि ऐसा था नहीं, मेरा कुत्ता शांति से मेरे बाजू में ही खड़ा था और मैं उनके दरवाजे के पास नहीं गई थी, वही मेरे दरवाजे के आगे आके खड़ी हो गई थी। जब उन्होंने चिल्लम चिल्ली चालू कर दी तो मुझे लगा कि मामला अभी और बढ़ेगा, इसलिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और मैंने वीडियो लेना चालू किया। उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया चेतन मेहता, वो आके मुझे गालियाँ देने लगे और मुझे धमकी देने लगे कि तुझे हम घर से निकाल देंगे, मैं पुलिस के तेरे खिलाफ़ कंप्लेंट करूँगा, तुझे घर में कैसे रहेगी मैं भी देख लूँगा। ऐसे उन्होंने धमकी दी और मुझे धक्का मारा और मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश करी। अडाजन पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर सर हैं उनसे मतलब उनको बोला मुझे कॉल करने के लिए, तो सर ने मुझे कॉल किया और सर ने मुझे सपोर्ट एक्सटेंड किया और पुलिस मेरे घर आधे घंटे में आई और उन्होंने मेरा रिटर्न कंप्लेंट लिया। मेरे घर में घर वालों का फुल सपोर्ट है, वो लोग बहुत दुखी हैं कि ऐसा हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि मेरे काम पर अभी बहुत प्रेशर है, मैं आपको बता भी नहीं सकती मेरे काम पर कितना प्रेशर है और ये इतने प्रेशर में ये लोग फालतू का एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरे घर वालों का मेरे लिए बहुत सपोर्ट है।